हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी इस ब्लू हेवन की बीबी क्रीम का रिव्यू। ये ब्लू हेवन का एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, मैंने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया है। आज की इस वीडियो में अब मैं इसे अप्लाई करूंगी ताकि आपको भी पता लगे कि ये क्रीम कैसी है, इसकी कवरेज कैसी है। तो अभी मैंने कोई मेकअप नहीं कर रखा है, बिल्कुल क्लीन है। फेस वॉश किया है, टोनर अप्लाई किया है। टोनर तो जरूरी होता ही है, फेस वॉश के बाद हमें जरूर लगाना चाहिए ताकि हमारे पोर्स मिनिमाइज हो जाए। तो टोनर के बाद मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं कर रखा है, कोई मेकअप नहीं है। क्योंकि अगर मेकअप होता ना तो ये जो डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं ना अभी, ये ना दिख रहे होते। अब इस क्रीम को मैं यूज करके आपको दिखाती हूँ कि ये क्रीम कैसी है, इसका टेक्सचर कैसा है, ये हमें कैसी कवरेज देता है। क्रीम को यूज करने से पहले मैं जरा आपको इसकी पैकेजिंग जरा नजदीक से दिखा देती हूँ, इसकी डिटेलिंग आपको बता देती हूँ, देन उसके बाद आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। सो गाइज, ये है ब्लू हेवन की बीबी क्रीम जो कि आपको SPF 15 और मल्टी विटामिन के साथ मिलती है। ये ऑल स्किन टाइप वालों के लिए है और 30 ग्राम इसकी टोटल क्वांटिटी है, नेट वेट है इस प्रोडक्ट का। ये आपको इंस्टेंट फेयरनेस और फिनिशिंग मतलब लुक देगा आपके फेस को। और मैं अगर अपनी शेड की बात करूँ तो जो शेड मैंने अपने लिए मंगाया है वो है क्रीम ब्लश, जो कि बिल्कुल परफेक्ट नहीं गया था मेरी स्किन टोन को, बट फिर भी चल गया। और अगर प्राइस की मैं बात करूँ तो 125 इसका प्राइस है, तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये क्रीम जो है इन्होंने न्यूली लॉन्च्ड की है। एंड पैकेजिंग मुझे बहुत पसंद आई है। और अगर टेक्सचर की और कलर की बात करूँ तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कलर एकदम एग्जैक्ट नहीं गया, थोड़ा सा डार्कर रहा है। आई थिंक अगर मैंने इनका शेड वनीला ट्राई किया होता तो वो मेरी स्किन को परफेक्ट जाता, बट कोई नहीं, अब आ गया है तो हम इसी से ही देखेंगे कि हमें कैसी कवरेज दे रहा है, इसका टेक्सचर कैसा है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ प्राइस के अकॉर्डिंग जो है ये प्रोडक्ट जो है बुरा नहीं है, लेकिन अगर आपको कवरेज चाहिए तो ये आपको वो अच्छी कवरेज नहीं दे पाएगा, ये आपको सिर्फ हल्का सा एक मेकअप लुक दे सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये एक ओके प्रोडक्ट है। तो चलिए अब मैं इस क्रीम को अप्लाई करती हूँ ताकि आपको पता लगे कि इसकी कवरेज कैसी है, कैसी नहीं है। मैंने आपको भी बताया मैंने सिर्फ फेस वॉश किया था, देन उसके बाद मैंने टोनर को लगाया है, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं यूज कर रखा है। और अब इस क्रीम को जो है डॉट डॉट करके मैं पहले अच्छी तरीके से लगा लेती हूँ, देन उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी। अच्छा, ये जो शेड है ना क्रीम, ये मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं जा रही है, लेकिन फिर भी चलो काम जो है चल जा रहा है। बस इसको अच्छी तरीके से हमने लगा लेना है। अच्छा, मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में इस क्रीम को लगाया है, आप देख सकते हो, इतना तो हम कभी भी किसी फाउंडेशन वगैरह को यूज नहीं करते हैं। अच्छा, इस क्रीम को मैंने ना एक बार यूज कर लिया है, मैं जानती हूँ इसकी कवरेज मुझे कैसी मिलने वाली है, बट आपको नहीं मालूम तो आपको भी पता लग जाएगा कि इसकी कवरेज कैसी आने वाली है। और आप देख सकते हो मैंने काफी सारी जो है ये क्रीम ली है, ऐसा नहीं है मैंने बहुत थोड़ी, इतनी तो मैंने आज तक कभी पॉन्ड्स की बीबी क्रीम भी नहीं ली है, बट यहां पर मैंने इसे बहुत भर भर के लगाया है। देखते हैं अब कैसी कवरेज देता है। तो अब मैं इसे ब्लेंड करूंगी ब्यूटी ब्लेंडर से। मैंने इसको गीला कर लिया था अच्छी तरीके से, सारा पानी इसका मैंने निचोड़ दिया है। और ये मेरा ब्लू हेवन का ही ब्यूटी ब्लेंडर है, काफी अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है। अगर आपने ब्लू हेवन का ब्यूटी ब्लेंडर ट्राई नहीं किया है तो आप एक बार इसे ट्राई करके देख सकते हो। पहले मैं इस हाफ साइड पे इसे ब्लेंड करूंगी, फिर इस साइड करूंगी। तो इसको अब अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। आप चाहो तो हाथों से भी ब्लेंड कर सकते हो, बट ब्यूटी ब्लेंडर से ना बहुत अच्छी तरीके से जो है ब्लेंड हो जाती है कोई भी क्रीम है, फाउंडेशन है। बाकी ना अपनी चॉइस होती है, आप चाहे ब्रश से कर लो या ब्यूटी ब्लेंडर से कर लो। ब्यूटी ब्लेंडर को आपको बहुत अच्छे से पहले पानी में जो है भिगो के रखना है थोड़ी देर तक, और उसके बाद अच्छी तरीके से पानी निचोड़ने के बाद इसे यूज करना है। आप देख लीजिए इसकी कवरेज नजर तो आ रही है। अब आईज पे भी अच्छे से मैं इसे ब्लेंड कर लेती हूँ, देखते हैं कि ये मेरे डार्क सर्कल्स को हाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं ना मिरर में देख के लगाती हूँ, ऐसे फोन से मुझे थोड़ा सा ऐसे क्लियर नहीं हो पाता है, तो मिरर में देख के अब मैं इसे लगा लेती हूँ फटाफट से। साइड वाली मेरी क्रीम अब बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है। और ब्लेंड होने के बाद क्या नजर आया? कुछ नजर आया? कोई फर्क नजर आया?
मुझे तो नहीं आया। आप देख सकते हो कि मेरी आंखों के पास जो डार्कनेस थी वो एज इट इज वैसी की वैसी ही है। जैसे ही मैंने इसे ब्लेंड करना शुरू किया तो क्या हुआ, एक बार को मुझे लगा कि कवरेज बहुत अच्छी है। आप देख सकते हो कि जो भी कवरेज इसने दी थी तो वो ऑक्सीडाइज हो चुकी है। बहुत ही एक थोड़ी सी कवरेज आप बोल सकते हो इसको, ये वो रह गई है जिसमें आपके ना ही कोई डार्क स्पॉट्स हाइड होने वाले हैं और ना ही आपके कोई डार्क पैचेस, ना ही डार्क सर्कल्स। मतलब आपको जो मेकअप वाले बेनिफिट मिलते हैं ना वो तो नहीं मिलने वाले हैं इस क्रीम से। तो चलिए अब मैं इस साइड ना जरा अपने हाथों से ब्लेंड करूंगी, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग हो गया है। अब हाथों से इसे ब्लेंड करते हैं, बल्कि पता हाथों से ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रही है, बहुत बढ़िया तरीके से। ब्यूटी ब्लेंडर से इसने बहुत टाइम लिया है और जब तक अच्छे से ब्लेंड ना हो जाए तब तक तो फिर आपका जो भी प्रोडक्ट है वो काफी पैची पैची सा दिखता है ना। तो अभी आप देखिए कितनी अच्छी खासी क्वांटिटी में आपको ये प्रोडक्ट दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी कवरेज देने वाला है। लेकिन अभी आप देखिएगा थोड़ी ही देर में ये जो प्रोडक्ट है ना ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होने के बाद ना इतना सा फर्क आपको नजर आएगा, आपका चेहरा हल्का सा ना ग्लो करेगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई कवरेज मिलेगी या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो क्रीम है अगर आपको कवरेज के पर्पज से लेना चाहते हो कि आपको कोई बीबी क्रीम वाले बेनिफिट्स मिल जाएं, तो ऐसा तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। मुझे ना ऐसी क्रीम्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती जो बहुत ही जल्दी मतलब ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। आप देख सकते हो कि ब्लेंड करते टाइम ये काफी पैची पैची सी लगती है और इसको ब्लेंड करने में ना टाइम जा रहा है। तो इसका जो टेक्सचर है थिक सा टेक्सचर है, अजीब सा इसका टेक्सचर है, और साथ ही साथ कवरेज इसकी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लेना चाहते हो इस क्रीम को तो आप सिर्फ इस पर्पज से ले सकते हो कि ये क्रीम जो है आपको एक हल्का सा आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर देगी, और इसको लगाने के बाद आपकी स्किन पे ग्लो तो दिखेगा बट आपको कवरेज ना बिल्कुल ही नहीं मिलने वाली, बिल्कुल ही नहीं जिसे कहा जाता है। आप देखिए यहाँ पे अब ये ऑलमोस्ट मेरी ब्लेंड होगी, इसे ब्लेंड करने में यार बहुत टाइम जा रहा है, बहुत ज्यादा। तो अब मैंने अपने फेस के दोनों ही साइड पे इस बीबी क्रीम को ब्लेंड कर लिया है। इस साइड मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से किया है और इस साइड मैंने अपने हाथों से किया है, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो रहा था। ठीक है, अब आप देख लीजिए इतना ज्यादा क्वांटिटी में मैंने इस क्रीम को लिया था आपके सामने है, और जब मैं ब्लेंड कर रही थी तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना ज्यादा ना मेरा फेस ऐसे होने वाला है कि पता नहीं मैंने कितना प्रोडक्ट लगा लिया है। जब ये स्किन में अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है और अब आपको दिख रहा होगा, अगर आपको इसकी कवरेज दिख रही है, क्योंकि मुझे इसकी कुछ भी खास कवरेज नहीं दिख रही है, बहुत थोड़ी सी, मतलब अब कुछ अप्लाई किया यार जरा सा तो लगेगा ही ना, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही नहीं लगेगा। लेकिन जिस पर्पज से हम बीबी क्रीम को यूज करते हैं ना कि चलो वो हमें थोड़ी सी कवरेज दे दे, हमारे थोड़े डार्क स्पॉट्स हो या डार्क सर्कल्स हो वो थोड़े से हाइड हो जाए, तो उस पर्पज से ये क्रीम मुझे बिल्कुल भी नहीं लगी है। बाकी अगर आपको डेली यूज के पर्पज से ऐसी क्रीम चाहिए जिसमें आपको कवरेज की ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको चाहिए एक हल्का फुल्का सा ग्लो हमारे चेहरे पे लगे और थोड़ा सा लगे कि हमने कुछ अप्लाई कर रखा है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। कवरेज नहीं देगी आपको, देख सकते हो मेरे आंखों के आसपास जो डार्कनेस थी वो अभी भी दिख रही है ना, आप देख लीजिए दिख रही है। जबकि बीबी क्रीम अगर अच्छी हो तो ये सब चीजें जो है आपकी हाइड कर देती है। ओवरऑल यही कहना चाहूंगी इस प्रोडक्ट के बारे में कि अगर आपको डेली यूज के हिसाब से ऐसा प्रोडक्ट पसंद है जिसमें आपको कवरेज की जरूरत नहीं होती है ज्यादा, आपको सिर्फ एक हल्का फुल्का सा ग्लो चाहिए या बहुत मामूली सा लगे कि आपने कुछ मेकअप लगा रखा है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। क्रीम की कवरेज ना वैसे ही लगी है जैसे कि फेयर एंड लवली की बीबी क्रीम आती है ना कि लगाया और पता ही नहीं लगता है कि हमने कोई बीबी क्रीम लगाई है, वही वाला हाल है इसका भी। अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूं इस प्रोडक्ट को लेके कि मुझे यह प्रोडक्ट कैसा लगा है, तो मैं बस एक ही लाइन में बात खत्म करूंगी कि मैं इस प्रोडक्ट को रीपर्चेज नहीं करना चाहूंगी। अब आया है तो यूज तो करूंगी बट रीपर्चेज नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया है, बहुत ही हल्की सी कवरेज है यार, ऐसी कवरेज का क्या फायदा जो थोड़ी देर में पता ही नहीं लग रही।
मुझे कुछ खास समझ नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्रोडक्ट मुझे अगर कुछ खास पसंद नहीं आया है तो आपको भी ना आए। देखिए मेरी स्किन अलग है, मेरी स्किन का टाइप अलग है, आपकी स्किन अलग है, आपकी स्किन का टाइप और टेक्सचर अलग है, तो हो सकता है आपकी स्किन पे ये अच्छा काम भी कर जाए, तो आप ट्राई करके देख सकते हो। लिंक दे दूंगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अफोर्डेबल प्राइस में प्रोडक्ट है, तो एक बार ट्राई करना चाहो तो बेशक आप कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।